डराने वाली तस्वीर है जो अभी महाराष्ट्र के मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर हमने देखा। हजारों हजार की संख्या में प्रवासी मजदूर लग रहा है कि किसी षड्यंत्र के तहत, और इसे षड्यंत्र या साजिश इसलिए बोल सकते हैं हम क्योंकि क्या महाराष्ट्र की जो उद्धव ठाकरे की सरकार है जिसके साथ कांग्रेस भी सहयोगी के रूप में है, और मुंबई जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है जहां पर सीएम डिप्यूटी सीएम से लेकर पूरा कैबिनेट वहां पर रहता है, क्या वो लोग सो रहे थे? वो लोग तब नहीं देखे जब ये लोग, ये जो प्रवासी मजदूर है, ये अपने घरों से निकलकर और स्टेशन तक आ रहे थे? यह कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र और साजिश का हिस्सा है। नमस्कार, आपका स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान पर, और आज हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता सुभाष सिंह जुड़े हुए हैं जिनसे हम बात करेंगे इस कोरोना वायरस की महामारी के बीच जो राजनीतिक घमासान मचा हुआ है उस पर। आपका बहुत बहुत हमारे चैनल पर। जी नमस्ते, आशा करता हूँ कि आप भी स्वस्थ होंगे। सर, महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी की सरकार है, और वहां पर आज जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो वहां पर बांद्रा में हुआ है, वो पूरे देश में एक आग की तरह फैल गया। तो वहां पर जो चीज आज हुई है, इस घटना, आप क्या समझते हैं इसका? मतलब कि क्या साजिश थी किसी की, या फिर उन लोगों को खाना और शेल्टर ना मिलने की वजह से वो वहां पर इकट्ठा हुए थे? ये अभी एक घंटा पहले का ब्रेकिंग न्यूज है जो आप बता रही है, और ये वाकई बहुत भयावह और डराने वाली तस्वीर है जो अभी महाराष्ट्र के मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर हमने देखा। हजारों हजार की संख्या में प्रवासी मजदूर लग रहा है कि किसी षड्यंत्र के तहत, और इसे षड्यंत्र या साजिश इसलिए बोल सकते हैं हम क्योंकि क्या महाराष्ट्र की जो उद्धव ठाकरे की सरकार है जिसके साथ कांग्रेस भी सहयोगी के रूप में है, और मुंबई जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है जहां पर सीएम डिप्यूटी सीएम से लेकर पूरा कैबिनेट वहां पर रहता है, क्या वो लोग सो रहे थे? वो लोग तब नहीं देखे जब ये लोग, ये जो प्रवासी मजदूर है, ये अपने घरों से निकलकर और स्टेशन तक आ रहे थे? यह कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र और साजिश का हिस्सा है, और ये जांच का विषय है। देखिए, वहां पर कुछ लोगों ने बोला कि वो अपने घर को जाना चाहते थे, और उन्हें लगा ऐसा कि लॉकडाउन के बाद, मतलब प्रथम चरण का जो लॉकडाउन था, उसके बाद शायद ट्रेन चलने लगे। अब मैं आपके माध्यम से दर्शकों को ये बात बताना चाहूंगा कि अगर ट्रेन चलती तो लॉकडाउन भी, जो फर्स्ट लॉकडाउन था, वो आज रात 12 बजे के बाद खत्म हो रहा था। मतलब ट्रेन अगर चलने की स्थिति में रहती तो वो भी 15 तारीख यानी कल सुबह के बाद चलती। आज 14 तारीख को अचानक उस तरह से स्टेशन पर इतने लोगों का जमा होना, और उसके बाद उद्धव ठाकरे के बेटा आदित्य ठाकरे के द्वारा यह बयान देना कि ये केंद्र सरकार का नाकामी का उदाहरण है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि अगर सरकार आप चला रहे हैं महाराष्ट्र में, आपके पिताजी वहां के मुख्यमंत्री हैं, आपके साथ कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी है कैबिनेट में, आपकी कोई जिम्मेदारी और जवाबदेही नहीं बनती अपने राज्य में रहने वाले लोगों के लिए? और अगर आपकी कोई जिम्मेदारी और जवाबदेही नहीं बनती है तो आपके कथना अनुसार ही वहां पर राष्ट्रपति शासन का अनुशंसा कर देना चाहिए। जी सर, सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में ही सामने आए हैं। पूरे देश में जो कोरोना वायरस के संक्रमित लोग हैं, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में हैं, और ये विफलता और जिस तरीके से बांद्रा में आज हुआ, आदित्य ठाकरे ने उसके बाद केंद्र सरकार पर ठीकड़ा फोड़ा, वही गृह मंत्री ने जो बयान दिया, कहीं ना कहीं बहुत शर्मनाक है, क्योंकि प्रदेश की जो जिम्मेदारी होती है वो मुख्यमंत्री के तौर पर उद्धव ठाकरे ने नहीं निभाई है और पूरी तरीके से वो विफल है। वही आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में, और वहीं पर आप देख लीजिए महाराष्ट्र में, इससे पहले भी दिल्ली में जो हुआ सेम टू सेम वही महाराष्ट्र में हुआ है। इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मतलब सबसे परेशान करने वाली ये बात है और यह खबर है कि पहले दिल्ली में, जहां पर कि अरविंद केजरीवाल की सरकार है, वहां पर हमने देखा कि दिल्ली वुहान बनते बनते बचा, और इसे मैं वुहान का उदाहरण संज्ञा इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप देखिए महाराष्ट्र के बाद अगर सेकेंड नंबर पर कोई शहर है, और मैं महाराष्ट्र से ज्यादा मुंबई बोलना पसंद करूंगा क्योंकि अगर आप सिटी वाइज देख रहे हैं तो दिल्ली बहुत छोटा सा जगह है, बहुत छोटा सा जगह है। उत्तर प्रदेश जहां सिर्फ 2 करोड़ हैं, और जहां उत्तर प्रदेश में 23 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, ये भी देखिए आंकड़ा कितना कम है यहाँ का, उसके बावजूद जमात की वजह से
कितने आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं राज्य सरकार की बहुत बड़ी गलती है, जिस तरीके से इनको बैक सपोर्ट मिल रहा है ये भी बहुत बड़ी नाकामी है। बिल्कुल, मतलब सबसे बड़ा परेशानी क्या है कि इन लोगों में, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो या उद्धव ठाकरे हो, इन लोगों में सच को सच और झूठ को झूठ कहने का अब हिम्मत नहीं बचा है। अरविंद केजरीवाल ने तो इस कदर शर्मनाक हरकत करी है कि इन्होंने जो टोटल नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट से वहां से तबलीगी जमात का नाम हटा दिया है। मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि अगर आप बोलते हैं कि हम हिंदुत्व का सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप आरएसएस के खिलाफ भला बुरा बोलते हैं और बोलते हैं कि आरएसएस हिंदू का परिचायक नहीं है, तो क्या तबलीगी जमात इस्लाम का पर्यायवाची है? क्या तबलीगी जमात कहने का मतलब कंप्लीट इस्लाम और पूरे मुसलमान कौम की बदनामी होती है कि आप उसका नाम नहीं ले रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से तबलीगी जमात को छुपाया जा रहा है, क्या तबलीगी जमात पूरे मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये बहुत बड़ी बात है। और जिस तरीके से जहां जहां राज्यों में देखिए, वहां पर वन सोर्स किया जा रहा है, सिंगल सोर्स किया जा रहा है और तबलीगी जमात का नाम हटाया जा रहा है, उसी तरीके से शरद पवार ने भी महाराष्ट्र में एक बयान दिया था और उसमें कहा है कि तबलीगी जमात नहीं बोलना है, इस पर पाबंदी लगाई है, तबलीगी जमात पर नाम बोलने पर। तो क्या उन पर बैन लगाना चाहिए था जो आज ये कर रहे हैं, जिनकी वजह से मामले बढ़ रहे हैं, ना कि उनको उनका सच सामने लाने पर ये पाबंदी लग रही है, तबलीगी जमात नाम जो है वो यूज करने पर पाबंदी लग रही है, बजाय उनके जो पूरे देश में फैल कर कोरोना फैला रहे हैं? मैं एक बात बोलना चाहूंगा आपसे कि अभी भारत में कोरोना पीड़ितों की संख्या 10,000 से पार जा चुकी है और 10,000 में 5,000 से ज्यादा जमात से जुड़े हुए लोग हैं, जिनके वजह से, अब मैं एक बात बताना चाहूंगा, जैसे कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी बोला है कि कोरोना एक इन्फेक्शियस डिजीज है, 5,000 अगर कहीं से एक जगह से संगठित लोग किसी ऐसे इन्फेक्शियस डिजीज के चपेट में आते हैं, तो यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, इसमें यह सच्चाई है और हमें इस बात को समझना चाहिए कि हाँ, उन 5,000 लोगों के वजह से ज्यादा जो नन तबलीगी जमात के भी लोग हैं जो इससे पीड़ित हैं, कहीं ना कहीं इसके लिए भी जमात के लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। और मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि हमारा संविधान बोलता है, हमारा संविधान हमें सिखाता है कि बींग सेकुलर जो सच है उसके बारे में आप बोले, तो आप तबलीगी जमात को बचाकर, और आप तबलीगी जमात को नहीं बचा रहे हो, आप अपने वोट बैंक को बचा रहे हो, ऐसे महामारी में भी आप राजनीति करना चाह रहे हो। क्योंकि अगर अगर जो नोएडा के पास हुआ दिल्ली बॉर्डर पर, अगर वहां से कोरोना फैलता तो वहां पर हम लोग बोलते कि हाँ, इनकी गलती थी। अगर कनिका कपूर ने लखनऊ में जो किया तो पूरा हिंदू समाज एक साथ खड़ा होकर कनिका कपूर के बारे में बोल रहा था कि इसके वजह से हो सकता है कि पूरे लखनऊ शहर में कोरोना जैसा इन्फेक्शियस डिजीज फैल जाए। वहां पर तो कोई हिंदुत्व पे खतरा नहीं हो रहा था, वहां पे कोई हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा था, ये लोग ताली बजा रहे थे। लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली ये जो घटना घटी, और इसका सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल पर्सन मोहम्मद साद, उसके बारे में आज मैं आपसे एक बात बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो या सोनिया गांधी हो, ये केंद्र सरकार पर तो इन्हें जब मन करता है तभी उंगली उठा देते हैं। तीनों में से किसी एक ने भी भारत के रिस्पॉन्सिबल नागरिक होने के नाते एक बार भी तबलीगी जमात का नाम लेने का साहस करा? ये क्या दिखाना चाह रहा है, किस तरह का सेकुलरिज्म है ये, और कौन सा सेकुलरिज्म का पाठ ये पढ़ाना चाह रहे हैं भारत के नागरिकों को? सर बिल्कुल आपने सही कहा, और यही पर महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर गठबंधन की सरकार है, और वहां पर एक डॉक्टर को, मौलाना साद को आतंकवादी कहने पर जेल में डाल दिया गया, तो वो क्यों नाम लेंगे जब वो खुद सपोर्ट कर रहे हैं और आतंकवादी कहने पर उसको जेल में डाल दिया गया उस डॉक्टर को, तो ये भी दिखाता है कि किस तरीके से वहां पर तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, और जिस तरीके से अब सरकार भी विफल रही है, तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि ये केंद्र सरकार से कदम मिलाकर नहीं चल रहे हैं, और सिर्फ केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ने के लिए ये वहां पर किया गया है, जिस तरीके से ये सामने आया। वहीं पर आपने कांग्रेस का नाम लिया, तो कांग्रेस से ही एक सवाल और याद आया मुझे कि कांग्रेस वैसे राजनीति बहुत कर रही है इस जब से महामारी फैली हुई है, उसको लग रहा है कि ये वही वक्त है जहां पर हम सरकार से अपने आप को ज्यादा बेटर दिखा सकते हैं, अगर कहीं सरकार इसमें
कुछ गलती करती है तो हम उसको पकड़ सकते हैं, लेकिन हर बार ये अपनी मुंह की खा लेती है। जिस तरीके से पहले भी इन्होंने झूठी खबरें फैलाई, उसी तरीके से आपको बता रहे हैं कि टेस्टिंग किट को लेके जिस तरीके से इन्होंने सुरजेवाला ने झूठ बोला कि इतने टेस्ट हो रहे हैं, जबकि 2,30,000 से ज्यादा टेस्ट हुए अब तक 72 दिनों में, और उन्होंने बताया कि 14,000 टेस्ट। तो ये भी एक आंकड़ा है जो उन्होंने बहुत बड़ा झूठ बोला। वही राहुल गांधी लगातार टेस्टिंग की मांग कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं तो सबसे सबसे ज्यादा मैं हैरान और परेशान हूं कि कांग्रेस के जो लोग हैं, चाहे वो रणदीप सुरजेवाला जी हो या प्रियंका गांधी जी हो या राहुल गांधी जी हो या सोनिया गांधी जी हो, देखिए इनके बयानों का विरोधाभास। अगर हम लोग लॉकडाउन, क्योंकि अभी भी राष्ट्र का सेकेंड लॉकडाउन कल से शुरू हो रहा है, अगर पहले हम लोग लॉकडाउन पर चर्चा करें और उसके बाद हम लोग किट के बारे में आएंगे और जांच के बारे में आएंगे। राहुल गांधी जी बोलते हैं कि लॉकडाउन देरी से किया गया, सोनिया गांधी जी बोलती है कि लॉकडाउन जल्दीबाजी में किया गया फैसला है, प्रियंका गांधी जी बोलती है कि लॉकडाउन कोरोना का समाधान नहीं है। पहले घर में ही अगर ये लोग एक बात पर तीनों का सहमति नहीं बन पा रहा है तो ये लोग राष्ट्र को क्या संबोधित करेंगे। पहले ये लोग सोच ले और समझ ले इस बात को कि आखिर उनको बोलना क्या है, और अगर सरकार का विरोध करना है तो कम से कम एक बयान दे जिसका भाई बहन और माँ तीनों सपोर्ट करे। रही बात रणदीप सुरजेवाला जी की, उन्होंने बताया 14,000 जांच के बारे में, और आपसे मैं बताना चाहूंगा कि आज जब 8 बजे उद्धव ठाकरे जी लाइव आए थे, जो और उद्धव ठाकरे जी का नाम मैं इसलिए लेना चाह रहा हूं क्योंकि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी कांग्रेस के सहयोग से मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उन्होंने बोला कि अकेले सिर्फ महाराष्ट्र में ही 35,000 से ज्यादा जांच हमने करा है। अब एक बात हमको बताइए कि अगर 14,000 जांच बताते हैं रणदीप सुरजेवाला जी की, सिर्फ 14,000 या 16,000 जांच हुआ है, और उन्हीं के सहयोग से एक मुख्यमंत्री जो उनके पार्टी में है वो बोलते हैं कि 35,000 जांच तो हमने सिर्फ अपने स्टेट में किया है। तो जब इनका अपना जो डायलेमा है, अपनी जो पार्टी पॉलिटिक्स है, वो एक प्लेटफॉर्म पे नहीं खड़ी है तो ये राष्ट्र को क्या बताएंगे, और राष्ट्र इनके बातों से गुमराह नहीं होने वाला है। एक बात मैं और आपसे बताना चाहता हूं कि अगर मिलियन वाइज पर पर्सन कंपेयर टू मिलियन अगर हम लोग तुलना करें कि कितने लोग कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि 0.4% पर पर्सन कंपेयर टू मिलियन, मतलब 10 लाख लोगों में 0.4% रेशियो भारत का है, जो कि विश्व में सबसे कम है। अगर यही तुलना आप स्पेन के साथ करें, जर्मनी के साथ करें, फ्रांस के साथ करें, यूके के साथ करें, यूएसए के साथ करें, सबका, यूएसए का तो कंडीशन ऐसा है कि वहां पे लगभग 3,000 पेशेंट 10 लाख लोगों के बीच का रेशियो बन रहा है, जर्मनी में 2,267 रेशियो बन रहा है, स्पेन में 2,100 समथिंग रेशियो बन रहा है, सब स्टेट 2,000 से ज्यादा पार कर रहे हैं। आज साउथ कोरिया के मॉडल को बताया जा रहा है, वहां पर भी 76 लोग पर मिलियन पाए जा रहे हैं और भारत में सिर्फ 0.4%। उसके बावजूद ये लोग उससे कुछ सीख नहीं लेते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो वर्ल्ड की वन ऑफ द रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है, वो नरेंद्र मोदी जी को और भारत सरकार को सबसे ज्यादा इस दिशा में कार्य करने के लिए 100 में से 100 मार्क्स देती है। अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी से ये बात नहीं पसता है, उनको लगता है कि कहीं ना कहीं इस महामारी के आड़ में हम केंद्र सरकार को घेर सकते थे, लेकिन भारत में तो लोग बोल देते, चाहे आपको बोले या आज तक वाले को बोले या जी न्यूज वाले को बोले, आप लोग अगर सरकार का पक्ष लेंगे तो आप लोग के लिए तो वो लोग बिना किसी बात को समझे हुए बोल देंगे कि ये लोग गोदी मीडिया वाले हैं। लेकिन उनको तब नहीं समझ में आ रहा है जब वो देख रहे हैं कि ऐसे लोग जो यूएसए और यूके में बैठकर भारत सरकार का और नरेंद्र मोदी का सिर्फ तारीफ ही नहीं, उनके उन योजनाओं को फॉलो करने का कोशिश भी कर रहे हैं, तब इनकी हवाइयां उड़ जा रही है और तब ये सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ करके विपक्ष होने के नाते अपने विपक्ष में बैठकर कुछ दायित्व हम निभाते रहे। मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी जो टेस्टिंग के बारे में बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने बोला, गृह मंत्री जी ने बोला कि किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है, जो लोग जमात में गए हुए थे और वहां पर फंसे हुए थे वो लोग बाहर निकल कर आए, अपने बारे में बताएं कि हम वहां से आए हैं, और सरकार जैसे 1.3 बिलियन पीपल को
130 करोड़ भारतीयों को जैसे हम ट्रीट करते हैं वैसे ही आप भी हमसे हैं, हमारे लिए हैं। और हो सकता है कि आपसे गलती हो गई हो, लेकिन अगर आप सामने आकर उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो उसे राष्ट्र बचेगा। उसके बारे में इन्होंने एक बार भी किसी भी मीडिया चैनल से आकर अपना ये बात नहीं रखा कि हाँ आप लोग सरकार का बात मानते हुए सामने आए और आकर अपना जांच कराएं। वहां पर ये लोग चुप हो जाते हैं, लेकिन ये लोग जांच पर आवाज उठाते हैं।